मिली किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम रोल। मशरूम रोल बहुत टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत हेल्दी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम रोल बनाने जा रहे हैं, तो पहले मैं आटा गूंथना दिखाती हूँ आपको। मैं इसके अंदर पहले नमक डालूंगी 1 चम्मच और घी डालूंगी, ये 2 चम्मच घी है। मैं आटे के साथ बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मैदा पसंद है तो आप मैदे के साथ मैदे से भी इसी तरह से आटा गूंथ सकते हैं। पहले हम मिक्स कर देंगे अच्छे से घी को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। हमेशा अगर आप आटा हाथ से गूंथ रहे हैं तो हाथ को अच्छी तरह से डिटॉल से धो लीजिए या साबुन से। आटा हमारा बहुत हार्ड नहीं गूंथना चाहिए, हल्का सॉफ्ट होना चाहिए आटा हमारा। देखिए हमारा आटा एकदम सॉफ्ट है, ऐसा ही आटा होना चाहिए हमारा। तो बस ये गूंथ के रेडी हो गया। तो हमारा आटा गूंथ के रेडी हो गया है, अब हम इसको ढक के रख देंगे। इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। अब हम ये हमारे रोल का मिश्रण बनाते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। 2 चम्मच की जगह आप 1 चम्मच भी यूज कर सकते हैं। और तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 2 मिर्ची है। इनको हम भून लेंगे बढ़िया से। देखिए वो लहसुन अदरक और मिर्ची जो है भून गई है। अब इसमें हम एक प्याज डाल देंगे। अगर आप छोटी प्याज ले रहे हैं तो 2 प्याज ले लीजिए। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम इसमें मसाले डाल देते हैं। गैस को स्लो कर लेंगे। प्याज हमारी भुनना शुरू हो गई है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसके अंदर तो आपके मसाले भी अच्छे से पकेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल देंगे हम। उसके बाद हम पैन को तेज कर लेंगे। मैं इंडक्शन को तेज कर रही हूँ और तेज करने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। जब आपको लगे कि आपका मसाला भून गया है तो आप इसके अंदर टमाटर ऐड कर दीजिए। मैंने 2 टमाटर लिए हैं। तो मिक्स कर दीजिए टमाटर को और हम 1 मिनट रुकेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको ढक देती हूँ।
रोल। अब हम इसको हटाएंगे। देखिए हमारे टमाटर कितने अच्छे से गल गए हैं, इसको इसी से साफ। देखिए अब हम इसके अंदर मशरूम डाल देंगे। एक पैकेट मशरूम है जो आता है, इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी एक कटोरी, ताकि हमारा मशरूम अच्छे से पक जाए। मिक्स करके हम इसको ढक देंगे। दो से तीन मिनट तक इसको छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो मशरूम है वो अच्छे से पक जाए। और इसको स्लो पे ही रखिए, तेज मत कीजिए, क्योंकि तेज होगा तो जल सकता है। तो इसलिए हमें पकने दीजिए एकदम आराम से, धीरे धीरे। अब हम इसको देखते हैं, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के रेडी हुई है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। अब हम इसके अंदर क्रीम मिला देंगे। क्रीम मिला के इसको एक मिनट तक और पकाएंगे। क्रीम को हमेशा गैस स्लो करके डालना चाहिए, नहीं तो ये फट सकती है। क्रीम मिलाने से हमारी सब्जी का रिचनेस बढ़ जाती है, ये बहुत अच्छी टेस्टी हो जाती है सब्जी। और अगर ज़्यादा तीखी है तो तीखापन भी कम हो जाता है। तो हम मिक्स कर देंगे। इसको ढक देंगे एकदम स्लो पे एक मिनट के लिए। चलिए जब तक ये पकती है तब तक हम रोटी बना लेते हैं रोल के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये रेडी हो गई है। और अब हम इसको साइड में रख के अपनी रोटियां बना लेते हैं, रोल के लिए पराठे बना लेते हैं। जैसे इसको हम साइड रख देते हैं। हम अब आटे को हमने 20 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रखा था, ये सेट हो गया है एकदम अच्छे से। हम छोटा सा तोड़ लेंगे, इसका रोल बना लेंगे। के ऊपर घी लगाएंगे। इसको हम अच्छे से पूरी चारों तरफ से लगा देंगे। लगाने के बाद आप जैसा चाहे वैसा पराठा बना सकते हैं। देखिए ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सेकने के लिए तवे पर डाल देते हैं। दूसरा बना लेते हैं। ऊपर घी लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे, ये त्रिकोण बना रहे हैं हम। चलिए हम अपने पराठे पे घी लगा लेते हैं। अब हम इस पे घी लगा देंगे। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए आटे से बना रही हूँ।
आटे वाला रोल भी बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। चलिए इसको हम बेल लेते हैं। बन के रेडी हो गया, ये भी सिक गया है, तो थोड़ा तेज कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल लिए, दूसरा डाल देते हैं पकने के लिए। इसी तरह बाकी सब भी बना लेते हैं हम तीन चार। अभी हम पराठे के ऊपर थोड़ी सी सब्जी डालेंगे। इसके ऊपर स्लाइस प्याज डाल सकते हैं, इससे ये क्रंचीपन आएगा। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इस पे इसके ऊपर टमाटर डाल दीजिए। और अब हम इसको रोल करेंगे। इसको हम बढ़िया से इस तरह से दबाते हुए, इस तरह से हमारा रोल बन गया। इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा रोल। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये पराठा रुक नहीं रहा, तो आप इस तरह से एक टूथपिक ले लीजिए और इसके अंदर ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका हिलेगा नहीं। ऐसे ही हम बाकी भी बना लेते हैं। देखिए हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। और मैंने जैसा कि बताया, अगर आपका रोल सही से नहीं बन रहा है तो इसके ऊपर आप टूथपिक लगा सकते हैं। और ये बहुत सुंदर दिख रहा है और ये बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया है, आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप सबको मेरा ये मशरूम रोल पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आप सब हमारी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें और आप सबको थैंक यू सो मच।